कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने 3 फरवरी को अमरिंदर सिंह की पत्नी को परिणीत कौर पार्टी से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद में फिलहाल पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने यह कार्रवाई पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की शिकायत पर की है। आपको बता दें कि परिणीत कौर पटियाला सांसद हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने परिणीत कौर पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब देने को कहा कि उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी से हाथ मिला लिया हो, लेकिन परिणीत कौर ने अभी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन अब पीपीसीसी के प्रधान राजा वंडिंग ने कांग्रेस को परिणीत कौर की पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत भेजी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए परिणीत कौर को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और 3 दिन का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग की ओर से शिकायत मिली थी। पटियाला के सांसद परिणीत कौर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और बीजेपी की मदद कर रही हैं। पंजाब कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं का भी यही कहना है। शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई के लिए कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति को भेजा गया था। कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने शिकायत पर गौर करते हुए फैसला लिया कि सांसद परिणीत कौर को पार्टी से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्हें 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाए। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साल 2021 में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी एक पार्टी बनाई थी। उन्होंने 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन किया था। पार्टी चुनाव में कोई भी सीट जीतने में विफल रही थी। अपनी चुनावी असफलता के कुछ महीने बाद अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजनीति में 52 वर्षों का अनुभव रखने वाले कैप्टन के भाजपा में शामिल होने से जहां भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में आधार बढ़ेगा, तो वहीं कांग्रेस को झटका लगा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री और 3 बार पंजाब कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।